आम गए, अमरूद गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए, है कि नहीं? सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। इनको यार ये सोचना चाहिए था, ये नबी की महफिल है, कम से कम ये काम तो ना करें जो शैतान किया करता। इसलिए एक साहब ने कहा था कि आज के दौर में शैतान से ज्यादा इंसान आगे बढ़ गया। क्या कभी आपने सुना कि मस्जिद से किसी शैतान ने जूती चप्पल चुराया हो? लेकिन आज का नौजवान मेरा भाई मस्जिद जाता है तो चप्पल बदल के ले आता, नमाज पढ़ने नहीं जाता, जूता चप्पल चुराने आता। और जलसों में भी कई तरह के लोग आते हैं, कुछ जलसा सुनने के लिए, कुछ जलसा देखने के लिए, कुछ जलसे में एक दूसरे का चप्पल चुराने के लिए। दुआ कीजिए अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। जो मेरे भाई इधर उधर खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए बैठ जाइए, आपका जलसा है। ये कमेटी के लोग लाखों रुपया खर्च करने के बाद दूर दराज से उलमा को बुलाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इंतशार पैदा करें, खलल पैदा करें, इसमें आप गुनाहगार साबित होंगे। अदब इत्राम से बैठे, अगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो मैं आपको कसम देता हूँ हसनैन करीमैन की, अगर आप नहीं बैठेंगे तो आप यकीनी तौर पर गुनाहगार हो जाएंगे, जलसे की फिजा को बहुत मुतासिर कर रहे हैं। आप हजरात आइए, बैठ जाइए, जो इधर उधर खड़े हैं वो जगह बेहतर है, बहुत अच्छी है, मौके को गनीमत जाने, और जिनको जगह नहीं मिली है वो जगह आकर ले लें। थोड़ा सा आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, मचल के बोलिए, या रसूल अल्लाह बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए मीज़ान का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चे को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चे को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। मिंबर शरीफ पर खतीब शहीर मुकर्रर बेनज़ीर हजरत मौलाना कारी रियाजुद्दीन साहब कबिला, रियाजुल हसन साहब कबिला, वो तशरीफ रखते हैं, इनकी तकरीर होगी, और इनकी तकरीर के बाद फौरन शायर हिंदुस्तान जनाबे राशिद रजा मरकजी साहब, जो पहली बार आपके मेवा की सरजमीन पर आए हैं, कभी आपने अख्तर परवाज को सुना होगा, हैदर लारी को सुना होगा, हैदर लारी के लबो लहजे में बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ने उन्हें इस बेहतरीन सिफत से नवाजा है कि वो कई शायरों के अंदाज में अपने अंदाज को मिलाकर नाते नबी पढ़ा करते हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर जलवा बार हो जाएंगे। हजरात यही वजह है कि आज हमारा माशरा दिन ब दिन करता जा रहा है। हमारी माँ बहनों का हाल देखिए, एक मिनट की बात खत्म करता हूँ, उसके बाद तकरीर होगी। हमारी माँ बहनों का हाल देखिए, मेरी माँ बहन ने शादी ब्याह में देखिए, हिंदुस्तान की कोई मच्छरदानी नहीं छोड़ी जिसका मेरी माँ बहन ने कपड़ा ना बनाया हो। कभी इनका हाल था, इनकी आस्तीन थी फुल, उसके बाद हो गई हाफ, और अब मुकम्मल साफ है कि नहीं? अरे मुकम्मल साफ, ये हमारी माँ बहन का हाल है। और आज का नौजवान मेडिकल स्टोर गया, कहा डॉक्टर साहब अच्छा लोशन अच्छा क्रीम दे दीजिए। मौलाना हुजूर सैयद आसिफ मियां ने कहा नौजवान तू क्या करेगा अच्छी लोशन अच्छी क्रीम से? बोला डॉक्टर साहब चेहरे पर लगाऊंगा, चेहरा हैंडसम बनेगा, ब्यूटीफुल बनेगा, खूबसूरत बनेगा। आज की मेरी माँ बहन घर वालों से छुप कर गई जनरल स्टोर पर, कहा भाईजान अच्छा लोशन अच्छा क्रीम दीजिए। बोला क्या करोगी मेरी बहन? कहा चेहरे पर लगाएंगे, चेहरा हैंडसम बनेगा, ब्यूटीफुल खूबसूरत बनेगा। आइए मेवा अतराफ के लोगों, नबी के जलसे में आने वालों, आज मैं तुम्हें ये बताकर अपनी जगह लेता हूँ कि मेरी माँ बहन का चेहरा या मेरे भाई या बुजुर्गों का चेहरा किस चीज से खूबसूरत होता है? सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। पहले मिसरे में बोलिएगा मत और चौथा मिसरा सुनकर खामोश मत बैठिएगा, बुलंद आवाज से बोल दीजिए लब्बैक या हुसैन, और बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन। कादरी ने बहुत पहले कहा था कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, और किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मैं भी नबी की नात का शेर सुना रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज थोड़ी भारी है, अगर अकील सिद्दीक सुनाते तो काफी लोग यहीं पर होते। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे नोटों से दाद दें, अगर आप होटों से सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मेरी किस्मत की मेराज बन जाएगा। आप हजरात नबी के नाम पर बैठे हैं तो इसी तरह बैठे रहे। हजरत बहलूल दाना, हजरत बहलूल दाना वो हमेशा कब्रस्तान में रहते थे, मिट्टी के खिलौने आते थे, एक रुपए में बेच दिया करते थे, देखिए एक रुपए में बेच दिया करते थे। एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद का गुजर हुआ, कहा क्या करते हो, क्या कर रहे हो बहलूल दाना? कहा कब्रिस्तान में मिट्टी के मकान बना रहा हूं, एक एक रुपए में बेच देता हूं। कहा हुजूर, कहा हुजूर कभी कभी आप शहर की तरफ आ जाया करें। तो अल्लाह के वली का जवाब था, ए खलीफा हारून रशीद,
मैं इस शहर में जाकर क्या करूंगा, लोग तो शहर से कब्रिस्तान में आ रहे हैं, जो किसी ने नहीं देखा दिखा के बेचता है। मजा तो यह है कि कीमत घटा के बेचता है। सबूत ये मिल गया पहलूल से जुबैदा को, वली जमीन पे जन्नत बना के बेचता है, वली जमीन पे जन्नत बना के बेचता है। आप हजरात नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं तो बाअदब बैठिए, बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह बोलिए, माशाल्लाह बोलिए, तभी तो सुनने सुनाने में मजा आएगा। इसलिए किसी ने कहा था कि हैदर हैदर बोल रहा है कानों में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है कानों में रस घोल रहा है, एक रजा के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। थोड़ा बदल लीजिए, अख्तर अख्तर बोल रहा है कानों में रस खोल रहा है, एक रजा के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है, एक रजा के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। आप हजरात बिल्कुल अदब इहतराम के साथ बैठे रहे, बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह बोले, माशाल्लाह बोले, ये आपका जलसा है, इसको कामयाब करना आपका काम है। हजरात आइए, मैं थोड़ी देर के लिए आपके जायकों को तब्दील करने के लिए मैं आपकी बस में मोहब्बत में शहर रामपुर से तशरीफ लाने वाली मुअज्जज शख्सियत उस्तादुल हफाज़ वल कुर्रा हजरत मौलाना कारी रियाजुल हसन साहब कबला रामपुरी मेरे बगल में बैठे हैं। मैं एक शेर से इनका इस्तकबाल करता हूँ। कारी साहब, कभी जो तुमसे मुलाकात हो गई होती, नौजवान सुनो, कभी तुमसे मुलाकात हो गई होती तो आंख आंख में हर बात हो गई होती, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। अब अगर इनसे मोहब्बत है तो सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ मिलकर इस्तकबाल कर ले। कौन कौन मदीना देखना चाहता है, कौन कौन गुंबद खजरा देखना चाहता है, जश्न मिलादुन नबी पे बड़ा नारा लगाया आपने, दोनों हाथ हजरत मौलाना रिजवान साहब इमाम साहब आ गया और इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने 10 रुपए इनाम दिया, आपकी लाज को बचा लिया। खैर कोई बात नहीं, ये इमाम साहब हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। मुझे इतना ऐसा लग रहा है सुभान अल्लाह, खैर इससे बड़ा भी और होगा, आप तशरीफ लाइएगा, इस्तकबाल किया जाएगा। हजरात एक औरत ने अपने शौहर से कहा था मुझसे मोहब्बत करते हैं, बीबी बोली बहुत ज्यादा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दागे दिल इनके करम से धुल गया, रात में हमरा भी खाता खुल गया। दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, दस के तो दस के हैं, सौ के भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक औरत ने अपने शौहर से कहा मुझसे मोहब्बत करते हैं, शौहर बोला बहुत ज्यादा, बीबी बोली अगर मैं मर गई, शौहर बोला मैं पागल हो जाऊंगा, बीबी बोली दूसरी शादी तो नहीं करोगे, शौहर बोला पागल तो कुछ भी कर सकता, पागल तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं। अमरत की सरजमीन पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं, मेरे सरकार का दीवाना है पागल नहीं कहना, अरे इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं, अरे इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। अब सारा मजमा मेरे साथ मिलकर इस्तकबाल करे, जी लगा कर बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद इश्क मोहब्बत, आला हजरत बस्ती बस्ती करिया, कौन बना मेहमाने काबा, ताज शरिया ताज नजदीक मुंह में लोहे का सरिया, ताज शरिया रियाजुल हसन साहब किबला जिंदाबाद, अराकीने कमेटी जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अच्छा इनसे कह दूं, ऐसा लग रहा है ना इन लोगों ने सारा जीत खा रखा, इनके पैर इतने मजबूत हैं कि अभी तक थके नहीं है कि नहीं, अभी तक मैं वहीं पर हूं, अभी तक घर नहीं बदला, कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला, मुझे लगता था एक रोज इनका फोन आएगा, इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला, इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। देखो माशाल्लाह बैठ गए, अगर अकलमंद है तो अकलमंद के लिए इशारे काफी होता है। आइए मैं हजरत का इस्तकबाल सिर्फ दो शेर के साथ, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, इनकी याद आई है सांसों जरा अहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। माइक पर जनाबे मौलाना कारी रियाजुल हसन साहब फिर क़िबला, सर फिरी भी हो गई तो क्या हुआ, ले जाएगी फूल की खुशबू महकने की अदा, ले जाएगी जानलेवा हादिसों के दरमियान से खींच कर तुझको घर वापस, तेरी माँ की दुआ ले जाएगी। जब चाह झगड़ा कर लिया, जब चाह कुछ कर लिया, लोग पैसा लगाते हैं यार, कैसी मेहनत करते हैं इमाम साहब बस्ती के लोग, एक महीना पहले से खून पसीना बहाते हैं और इस तरह ये प्रोग्राम सजाते हैं और ये लोग रंग में भंग कर दिया करते हैं। ए भैया बेटा पैर इधर मत कर, छोटू पैर इधर मत कर, अदब इतराम से बैठे, मेरी गुजारिश है
आवाज की दुनिया का बेताज बादशाह, जैसे मैंने ऐलान किया था शहनशाही तरन्नुम वाले के तरन्नुम जनाबे राशिद रजा मरकजी बिल्कुल तैयार बैठे। अब अगर इस मजमे में वो पढ़ेंगे वो संभाल तो लेंगे, मुझे यकीन है जो इधर उधर टहल रहे हैं वो भागे दौड़े चले आएंगे। पहली बार आए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, है कि नहीं? जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे यार तुम तो या रसूल अल्लाह बोलने में कंजूसी, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, बस एक शेर पढ़कर मैं बैठ रहा हूँ। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। हिंदुस्तान वो सरजमीन है कि जहाँ पर ख्वाजा गरीब तशरीफ नहीं लाए थे, तो इनके आने से पहले यहाँ का हर कंकर शंकर बना हुआ था। लेकिन गरीब नवाज का कर्म देखो कि मेरे गरीब नवाज ने उन शंकरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लिया, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं कि कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है, कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है, खुद को भूल जाता है जो तेरे गाँव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है।